गुड। अब सबसे पहले बेसिक किताब में कोई भी चीज शुरुआत, पहले तो मैं कोई भी बताऊं, कल बताया था नाउन का ओरिजिन क्या होता है, आज बताऊंगा कि आखिर इंग्लिश को पढ़ने के लिए पहले क्या करना चाहिए, राइट। तो सबसे पहला काम ये बच्चे ध्यान देना कि क्लास स्टार्ट करूंगा जैसे पिछले क्लास में 3-4 क्वेश्चन रह गए थे, राइट, और तो आज करवा दूंगा, आज भी नया टेस्ट मिला होगा आपको। तो पहला चीज ये जान लो मैं पढ़ाऊंगा कैसे, ये जान लो मैं पढ़ाऊंगा कैसे, पढ़ाऊंगा क्या, ये जान लो पहले क्लास। तो सबसे पहले जो भी क्लास आपका होना है, कोई भी कोर्स जो आपका समाप्त होना है, तो क्लास या कोर्स की बात करें तो 3 to 5 मंथ में कोर्स आपका समाप्त हो जाएगा। मिनिमम 3 मंथ्स, मैक्सिमम 5 मंथ्स। मैक्सिमम 5 मंथ्स क्यों बोला कि मान लेते कोई छुट्टी हो जाए, कुछ व्यवस्था हो जाए, तो उसमें दिक्कत हो सकता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास में क्या होगा, पहले 4 दिन, फर्स्ट 4 डेज आपका जो होगा बिल्कुल बेसिक क्लास होगा। इस बेसिक क्लास का मतलब होगा कि आपको, मैं मान के ये चलूंगा कि आपको ABCD के अलावा कुछ आता नहीं है, राइट। तो फर्स्ट फोर डेज जो होगा, मैं मान के ये चलूंगा कि सारे बच्चे जो हैं वो इक्वल हैं और सबको ABCD मात्र आता है, उसके सिवा और कुछ नहीं आता। बोलो एग्री हो? तो पहला 4 दिन, यानी 4 दिन अगर आपको सब आता है तो आपको झेलना पड़ेगा 4 दिन, मतलब बेसिक करना ही पड़ेगा आपको, राइट। क्योंकि पिछले बैच में मैं देख चुका हूं कि 10 बच्चे को आता है, 5 बच्चे को नहीं आता, तो मेरे लिए सब एक समान होता है ना, मेरे लिए सारे बच्चे एक समान है। तो मैं देखा कि 10-15 बच्चे ऐसे हैं जिनको वो झेल, क्लास को झेल पा रहे हैं, मतलब मेरे को वो झेल रहे हैं और मैं चाहता हूँ मुझे झेले कोई, मैं चाहता हूँ क्लास में सब इंजॉय करे, तो उसको मुझे अलग से टाइम देना पड़ रहा है 2 बजे दिन में। और उस अगर मैं 4-5 दिन पाया होता तो शायद वो सीखते कुछ, लेकिन 4 दिन में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक सपोर्ट मिल जाएगा। अगर आपको ज्यादा जरूरत है तो आप दिन को 2 बजे आइए, अगर ज्यादा जरूरत नहीं है तो 4-5 दिन में दिक्कत दूर हो जाएगा। तो ABCD की बात मैं कर रहा हूं। इसके अलावा बेसिक क्लास व डेली वो कैब करवाऊंगा, वो कैब डेली, टेस्ट डेली, बेसिक 4 डेज, फिर आपका कोई चैप्टर स्टार्ट होगा, जैसे कोई भी हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, चैप्टर, ग्रामर शुरू होगा, फिर आपके एग्जाम ओरिएंटेड काम करना शुरू हो जाएगा। वो कैब रेगुलर होना है, वो कैब प्रतिदिन, कौशल आज से नहीं, क्यों, क्योंकि अभी 4 दिन चलेगा बेसिक, इस 4 दिन वो कैब नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, वापिस आ जाओ, बेसिक में वो कैब नहीं होता। उसके बाद जो है अगला पॉइंट होगा आपके क्लास, वो कैब हो गया टेस्ट, जैसे टेस्ट आपको मिला है ना, ये हर दिन आपको टेस्ट एक्स्ट्रा मिलता चला जाएगा। और टेस्ट जैसे नाउन पढ़ रहे हो तो नाउन का टेस्ट, प्रोनाउन तो प्रोनाउन, जो भी ग्रामर पढ़ रहे हो ग्रामर का टेस्ट होना शुरू हो जाएगा। फाइन, इस तरह से सारे टेस्ट आपके किए जाएंगे। ओके, ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना, तो सारे टेस्ट आपको इस तरह से मिलने शुरू हो जाएंगे। और तो आज से शुरुआत करता हूं, गुड। अब सबसे पहला काम करेंगे 4 डेज बेसिक। बेसिक में कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, इसकी चर्चा कीजिए। देखो गौर से क्या करना होता है कि सबसे पहला काम जो करना है वो उनको लिखना सीखना है। सबसे फर्स्ट काम क्या करना है, राइटिंग सीखना है। यानी कि जब कोई बच्चा छोटा घर में जन्म लेता है तो बोलना तो उसे सब आता है लेकिन लिखना कुछ नहीं आता, और लिखने के लिए उसे स्कूल भेजते हैं, और स्कूल भेजते हैं तो एक लेटर लिखने में का उसे महीनों लग जाते हैं, और बार बार सिखाते हैं उसे कि बेटा एक डंडा खींचो, ऐसे करो, फिर ऐसे करो तो का हो जाएगा। उसको ये नहीं पता कि लिखवा क्यों रहा और लिख क्यों रहे हैं, राइट। तो इसी तरह से आपको यहां बताया जाएगा कि किसी भी लेटर को आप पहले साउंड कैसे दो और कैसे बोलो, कैसे लिखो, राइट। तो पहला क्लास हम लोगों का है और पहले क्लास में लिखना सीख रहे हैं हम लोग आज से और अभी से। तो सबसे पहले बताओ, आप में से सारे बच्चों को लिखना आता है क्या, नहीं आता लिखना, अच्छी बात है। तो एक बार जो क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पे बच्चे पढ़ रहे हैं, क्रांतिकारी ऐप, एक बार नाम लिखो जरा, नाम, नए बच्चे सब हैं, देखो जैसे आप नए हो ना, वैसे ही क्रांतिकारी ऐप में सारे बच्चे नए हैं, तो जैसे आपको मैं देख रहा हूँ तो इनको भी देखना जरूरी होगा, इसलिए बीच बीच में इनका नाम मुझे लेना पड़ेगा, लेकिन मेरे फोन में चलता नहीं है, ये पिछले 10 समस्या हो रहा है, चलता और बंद हो जाता है, और मुझे भी लिखा रहा है एडमिशन लो, जबकि आज डेमो क्लास है। हाँ, मुझे भी लग रहा है पैसे देने पड़ेंगे। और जो YouTube बच्चे हैं, नाम लिखे एक बार, यस, पुतिन यादव कहाँ है, सुभाष सिंह, बहुत बढ़िया, ठीक है,
वापस आई। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट हो नहीं रहा मुझे, मैं एक बार स्टाफ से बोलता हूँ, स्टार्ट कर देगा मेरा भी, देखो घूम रहा है। खैर एनीवे, तो सबसे पहले मैं सिखा रहा हूँ, देखो मेरा स्टार्ट करो बेटा, क्लास स्टार्ट कर दो ऐप में, ऐप बल्ला है ना, यूट्यूब चल रहा है तो यस स्टार्ट करते हैं। मुझे बताइए सबसे पहला काम कि आप जब कोई चीज़ पढ़ते हो तो सबसे पहला कब बताया था, साउंड के आधार पर पढ़ते कोई चीज, यानी इंग्लिश का जन्म कहाँ से हुआ है, साउंड से, कहलाए सब लोग साउंड से, अच्छी बात। अब बताइए हिंदी में वर्णमाला कितने होते हैं, हिंदी में कितने होते बच्चे, 52, कितने 52 लेटर्स होते हैं हिंदी में, राइट 52 लेटर्स इन हिंदी, राइट। इंग्लिश में कितने होते बाबू, 26 लेटर्स इन इंग्लिश, राइट। अब देखो जस्ट हाफ है कि नहीं, जस्ट हाफ है ना, अच्छी बात, ये जस्ट हाफ है, समझना गौर से, यानी कि हिंदी के वर्णमाला जो होते हैं वो इंग्लिश से क्या है, दुगुना है, दुगुना है ना बाबी, सही। हर बच्चे नोट डाउन करता जाएगा, पढ़ता जाएगा, क्योंकि आपका बेसिक क्लास है, कॉपी कलम लेकर आने को बोला था, तो आज से चार दिन लगातार पढ़ाऊंगा नहीं, क्या करूंगा, सिखाऊंगा, सिर्फ देखना नहीं, आपको आता सब है लेकिन लिखना है और सीखना है, राइट। तो हिंदी में बिल्कुल शुरुआत करो क्लास से, लेटर्स 52 और अंग्रेजी में 26, राइट, जस्ट हाफ हुआ। इसका मतलब कह सकते हैं कि हिंदी का एक और इंग्लिश का, बोलो हिंदी का एक अंग्रेजी का दो, यानी हिंदी के एक लेटर अंग्रेजी के दो लेटर के बराबर है कि नहीं, बोलो हिंदी का एक लेटर अंग्रेजी के दो लेटर की इक्वल है कि नहीं है, है ना जी, अच्छी बात। लेकिन स्कूल में, कॉलेज में, गांव में, घर में, जहां भी मास्टर पढ़ाया होगा आपको, वो पढ़ाया होगा आपको क्या, पढ़ाया होगा का, अंग्रेजी में कहा होगा के, बोलो कहा कि नहीं कहा, या ऐसे पढ़ा, उल्टा पढ़ा दिया मैंने, सीधा पढ़ाया होगा कि के से का, बोलो पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, बोलो बच्चे, एम से एल से ला। अब ये बताओ कि हिंदी का एक और अंग्रेजी का एक है कि नहीं है, और हमने कहा कि अंग्रेजी का दो और हिंदी का एक, तो बोलो ऐसे पढ़ना गलत होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे पढ़ना गलत होगा पहली बात, यानी ऐसे अंग्रेजी पढ़ा नहीं जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्यों सर, करके दिखाता हूं कैसे गलत होगा, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अब देखिए इन तीनों को मिला दिया, क म ल, देखो मिला दिया, क प्लस म प्लस ल बराबर बन गया क म ल, अंग्रेजी में होता है के प्लस एम प्लस एल, मिला दिया के एम एल। अब बताओ इसे क्या पढ़ोगे, क्या कमल की कमल, इसे पढ़ोगे कमल, समझ मुद्दा, ये बात बेसिक की तरह आज तीन चार दिन में दे रहा हूँ क्लास, ताकि सब बच्चों को समझ में आ जाए, किसी के साथ बाइफर्केशन ना हो, हर बच्चा इक्वल इन्वॉल्वमेंट पढ़ाई करे। तो ये कमल नहीं है जबकि ये कमल है, इसलिए कहा था कि हिंदी का एक और अंग्रेजी का दो। तो कन्फ्यूजन के लिए कॉन्सेप्ट निकला कि आखिर किसी भी शुरुआत कैसे करते हैं इंग्लिश ना, तो आप साउंड के आधार पर लिखने का प्रयास करते हो। हमने कहा कमल इज गोइंग टू मार्केट, कमल इज कमिंग हियर, कमल इज रीडिंग इंग्लिश, साउंड में खुद दिक्कत हो रही है, कमल इज रीडिंग इंग्लिश, तो यहां पर दिक्कत कहां पर होती है उसे हम जानने का प्रयास करते हैं, राइट। तो कमल इज गोइंग टू मार्केट, कमल इज कमिंग हेयर, रीडिंग इंग्लिश, इस तरह की बातें हम लोग करते हैं। तो आखिर प्रॉब्लम होती कहाँ है, तो प्रॉब्लम है कहाँ वो समझिए, कि जैसे अब यहां बोला हमने कमल तो या केमल, तो नियम क्या कहता है कि जब किसी भी दो लेटर को, जैसे मान लो हमने कहा कि रम है, बट है, कट है, रट है, ठीक है, दो है, जैसे ने बोला कमला कमल है, रामन रमन है, सुमन सुमन है, ठीक है, तो कोई भी दो लेटर हिंदी में अगर तुम जोड़ते हो, हिंदी में कोई भी दो लेटर अगर तुम जोड़ते हो हिंदी का लेटर, तो अक्सर तुम कोशिश करना कि बीच में यू लगाना, क्यों लगाना, क्योंकि इंग्लिश का दो
इंग्लिश का दो और हिंदी का एक। तो ध्यान देना यहाँ पे दो और दो चार लेटर हैं, लेकिन पढ़ने के तरीका के आधार पर उसका राइटिंग होता है। जैसे आर र का तुमने बचपन जाना है कि आर होता है, राइट, आर, और म का पढ़ा है कि एम होता है, लेकिन दो लेटर है ना, इसको जोड़ेगा कौन, यू, राइट। तो बोलो चूंकि इसलिए कि आर के लिए यहां पे आ गया आर यू, और एम चूंकि खींचता है रम रम, राइट, तो जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं, यू, क्लियर। बट के लिए बी यू टी, कट के लिए रट के लिए आर यू टी, बस फिलहाल ऐसी वर्ड जो कोई भी चीज लिखना सिखा रहा हूं, राइट। अब देखो कमल है तो के एम एल बीच में क्या लगा दिया, ए। जब दो लेटर को जोड़ते हैं तो यू का प्रयोग, और दो से अधिक को जोड़ते हैं तो ए का प्रयोग, दो से अधिक को जोड़ते हैं तो ए का प्रयोग। जैसे कमल में के ए एम ए एल, रमन में आर ए एम ए एन, अब चूंकि सुमन है तो एस यू एम ए एन, सुमन। दो से अधिक को जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं, ए। बात समझ में आ, बोलो यस या नो, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात। यहां तक हम लोग चले हैं, यानी कॉन्सेप्ट दो बना, एक जो कॉन्सेप्ट है यहां पे लिखा होगा इसमें आप सबका, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सारे किताब में लिखे मिलेंगे। देखो यहाँ पे लिखा कमल, कमल लिखा मिला आपको, कमल पेज नंबर 11 पे जाएंगे सब लिखा मिलेगा, वापिस आते हैं यहाँ से, वापिस आते हैं यहाँ तक समझ में आ गया, तो आगे चलते हैं हम लोग फटाफट। अब जब मुझे बताओ बच्चे एक बात बताओ, आप सब क्या पढ़ रहे हो जी, ग्रामर पढ़ोगे, राइट, पढ़ोगे ग्रामर, अच्छी बात। आप खड़े हो जाओ, आज कौन सा दिन है, सेकेंड डे, फर्स्ट डे आए थे, और कभी आए थे पढ़ने यहाँ, मतलब न्यू स्टूडेंट हो कि ओल्ड स्टूडेंट हो, आप न्यू हो, ग्रामर जानते हो, ग्रामर का स्पेलिंग बोलो, नहीं पता पड़ोसी को खड़ा करो, ग्रामर का स्पेलिंग बोलो, जी आर ए डबल एम ए आर, बैठ जाओ, जी आर ए डबल एम ई आर, अब बोलो हाँ से सब लोग, ग्रामर में एक ए आर है और एक ई आर है, कितने बच्चे ए आर में हैं, कितने बच्चे ई आर में हैं, अब देखिए हाथ उठाए दोनों में, हाथ उठाए दोनों, एक तो गलत है, तय बात है जी भाई, एक तो गलत होगा ना, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, राइट। अब देखो गौर से, अभी जस्ट मैंने क्या कहा कि दो से अधिक लेटर को जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं, अभी कहा ना, बोलो दो से अधिक लेटर है कि नहीं है, बोलो सब में ए आया कि नहीं आया है, तो ये राइट हुआ कि नहीं हुआ, तो अभी जस्ट बताया था, फिर गलती क्यों कर रहे हो, बस में आया, यानी आप पढ़ते हो गलती करते हो, जानकारी होता है गलती करते हो, तो दो से अधिक लेटर को जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं, ए, चाहे हिंदी कहो चाहे अंग्रेजी कहो मुद्दा वही होगा, तो ग्रामर में क्या लगाएंगे, ए, बहुत अच्छी बात। अब देखो कुछ और टेस्ट करता हूं, बेगर, बी ई डबल जी ई आर, बी ई डबल जी ए आर, कितने बच्चे ई आर में हाथ उठाइए, ई आर वाले, ई आर वाले, अब देखो जो ई आर में उठाया है वो सोचा होगा इस बार तो गलती नहीं होगा, देखो गलती ऑलवेज होगा, गलती ऑलवेज होगा, सर की बात मान लो फायदे में रहोगे, दो से अधिक लेटर को जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं, जो बोलूंगा वो 99% सत्य रहेगा, एक आध परसेंट कोई शब्द हो ही ऐसा जिसमें अलग स्पेलिंग हो वो अलग बात है, अब बात है, लेकिन 99% ऐसा ही फील होगा कि दो से अधिक को जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं, ये लगाते, इस बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया कि दो से अधिक लेटर, इससे आपका क्या मैं कर रहा हूँ, स्पेलिंग इंप्रूव कर रहा हूँ, जिससे आपका स्पेलिंग इंप्रूव होगा, दूसरी बात आप बेसिक क्लास सीखोगे, क्लियर। तो हमने कहा साउंड क्लियर बच्चे, साउंड इज ओके, ओके बच्चे जो ऑनलाइन यूट्यूब पढ़ रहे हैं, यूट्यूब बच्चे लाइक किया तुम लोगों ने अभी तक, बीच में प्रचार करना पड़ेगा कि नहीं, लाइक करना है, और चूंकि फ्री पढ़ा रहा हूं सब्सक्राइब से करना, ठीक है। चलो एक बात और दिखा दूं, जितने बच्चे क्लास ले रहे हैं क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर, इस ऐप पे क्लास चल रहा है बेटा, और इस ऐप पे ही आपको पढ़ना है लाइव क्लास, क्लियर, तो कंटिन्यू क्लास इस पे करना है। दूसरी बात, ये इस बैच का नाम है चैंपियंस बैच, अगर आप चाहते हो इंग्लिश में बनना चैंपियन तो बिना देर किए एडमिशन ले लो, ये बैच आज से स्टार्ट है, कल डेमो दिया था, आज पहला क्लास है, तो बिना देर किए एडमिशन होना चाहिए आपका, है ना, इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ
बहुत अच्छी बात, आगे देखते हैं। यहाँ वर्ड है इंग्लिश फाउंडेशन, यहाँ से आपको लाइव मिलेगा फाउंडेशन बैच के लिए, क्लियर। यहाँ पे बैच नंबर 17 पे जाना है, बैच नंबर 17 पे यहीं से आपका एडमिशन होगा, और 17 क्लास में आप जाओगे बैच नंबर 17 पे तो क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। ये स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है, गुरु पूर्णिमा कल था तो लेकिन आज ऑफर दिया जा रहा है, तो इसको लेकर के आप फटाफट, इतने कम ही पढ़ेंगे लेकिन कोशिश करना कि ऑनलाइन पढ़ो। अगर दिल्ली आ सकते हो तो दिल्ली भी आ सकते हो, आप दिल्ली दूर नहीं है, क्लास ले सकते हो, ये फी है। उसके बाद क्लास पीडीएफ नोट्स मिलेगा ही मिलेगा, सारे पीडीएफ नोट्स आपके मिलेंगे, इसके साथ साथ बुक्स टोटल 12-15 किताब मिलेगा आपको, जो फोन करके मंगाना है, नंबर यहाँ पे चल रहा है, दिया गया है। नंबर 3, ये बुक्स हैं कुछ जो बहुत ही अच्छे हैं, जो आपके टेबल पे होने चाहिए, स्टोरी बुक वगैरह, देखो स्टोरी बुक है, कहानी किताब है, इसके कवर पे चेंज हो सकते हैं लेकिन नाम वही रहेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का देखो फोटो आ रहा है, एक बार सब लोग हाय करो जी, हाय, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सर बच्चे आ जाएंगे सर, ठीक है ना, अभी हाय करवा सकते हैं, बहुत बढ़िया। ये देखिए सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वन वर्ड्स, ये आपके बुक में होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, क्लियर। शुरुआत करता हूँ, ये जो फोन नंबर है ना बेटा, ये फोन नंबर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये नंबर में कोई दिक्कत हो, परेशानी हो क्लास करने में, तो इस नंबर पे आप कॉल कर लेना और बात कर लेना, कहीं भी एडमिशन दिक्कत हो, लेकिन बिना देर किए आपको एडमिशन ले लेना है, ठीक है। बैच में कौन पढ़ सकता है देख लीजिए, ओके, हाँ देखिए रियल फोटो, इसमें 5 साल के बच्चा और 80 साल तक आप पढ़ सकते हो, देखो मेरा फोटो साथ में है ना, तुमने फोटो खिंचवाया था इनके साथ, ये रियली में क्लास लेती हैं और बहुत अच्छा लगेगा, शायद अगर देख रही होंगी तो इनको भी अच्छा लग रहा होगा। तो ये 5 साल के बच्चे से लेकर के 80 साल के जो है पढ़ सकते हैं। और वैसे क्या लाभ होगा जी, इंग्लिश बोलना लिखना पढ़ना आ जाएगा, एग्जाम क्लियर हो जाएगा, जॉब इंटरव्यू दे पाओगे, पर्सनालिटी बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा जी। बैच में क्या पढ़ाया जाएगा तो पता ही है, बेसिक्स, एडवांस ग्रामर, एग्जाम्स, राइटिंग स्किल्स, ठीक है। लेने कितने दिनों में सीख जाएंगे जी भाई, अच्छा दिन मैं बताऊंगा, तो यहाँ पे 3 से 5 महीने तक आपको कोर्स पढ़ना पड़ेगा, फिर आप सीख जाओगे, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत सुंदर तैयारी। वापिस आते हैं, प्रचार खत्म हो गया हम लोगों का, आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा ध्यान दो, क्या कॉन्सेप्ट है, तो हमने क्या बोला बेटा, अब इसका मतलब ये हुआ, 2-3 चीज और ध्यान देना है कि साउंड के आधार पे राइटिंग होना है। हम लोग बचपन से पढ़े क्या ए, अब ध्यान देना, थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ए बी सी डी आता है सबको बच्चे, तो एक बार लिख लो, लिख लिया, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, मजाक मत, तुम्हें लग रहा है कि भी सिखा रहे सर, शर्म लग रही है, काया का शर्म भाई, लिखो फटाफट एबीसीडी पूरा। आप बेसिक पढ़ने आए हो, जब तक हर चीज ना सिखा दूं कोई फायदा नहीं होगा, सर सोचो मत, फिर अफसोस होगा, लिखो एबीसीडी, लिख लिया, अब सुनो, आज के बाद ए को ए नहीं पढ़ना, ए को पढ़ना आ, ए को पढ़ना ए, ए को पढ़ना आ, ए को पढ़ना ए आ, ए का इतना साउंड होता है, यानी ए को आ पढ़ना है, ए को 90% आ पढ़ना है, 1-2% ए पढ़ना है, लेकिन हम लोग हमेशा ए पढ़ते हैं, ए बी सी डी आ बा सा डा, क्योंकि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो ना तो इंग्लिश की भाषा सीखनी पड़ेगी, इसलिए आपको क्या पढ़ना है, 90% आ ए, ए साउंड कम होता है इसका, रीड, बी का साउंड ब, बी बहुत कम होता है, ठीक है, ध्यान देना, सी का साउंड था, कभी कभी क, कभी कभी श के साउंड आता है, अलग आप बताऊंगा आपको, डी का साउंड ड, डी का साउंड ड, डी साउंड बहुत कम होता है जब अकेला स्पेशल होता है तब, ई का साउंड ज्यादातर ई, कभी कभी आ,
ठीक है, ए साउंड ध्यान देना, एफ का साउंड फ, कभी कभी एफ जो अकेला होगा तो, जी का साउंड ज, जी का साउंड ग, जी का साउंड कभी कभी जी हो जाता है, एच का साउंड ह, कभी कभी अ, ए का साउंड ह, कभी कभी अ, आई का साउंड ई, ई अ, इस तरह से, जे का साउंड ज, जे का साउंड ज, कभी कभी जे, के का साउंड का, कभी कभी के, ठीक है, ला एल, मा एम, फ्रॉम लिखिए फटाफट, ना एन, ओ ओ अ, पा पी, फटाफट, का क्यू यू, रा आर, अ सा एस, टा टी, अ यू, वा वा, वी वी, जा सा एक्स, वाई से या, जेड से जा, ठीक है, लिख लिया सबने। ये साउंड जो है सारे बच्चों के लिए, इसको पढ़ने का प्रयास करना है, और हमने कोशिश किया लिखने का, सबका बोला भी हूं, लेकिन आप पता नहीं लिखे या नहीं लिखे। जेड का जा, बच्चे जो क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, कृष्णा सिंह लिख लिया इसको, अजीत वर्मा, आई हैव डन सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार लिख लीजिए इसको, बात करता हूं आपसे अलग से। लिख लिया सबने, कोई बड़ा चीज नहीं है। वाई का या है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ाता हूं। तो इस तरह साउंड पढ़ना है, बाकी किताब आपके पास होगा, ये बेसिक, उसको लेने का प्रयास करना, सीखने का प्रयास करना, बिल्कुल बेसिक से, इतना बेसिक शायद आपने लाइफ में कभी नहीं पढ़ा होगा, इतना बेसिक दे रहा हूं क्लास 6-7-8 के बच्चे के लिए, बच्चे की तरह ये सिखाने का प्रयास कर रहा हूं मैं आप सबको। तो बस सूर्य आ बा सा डा हा चा, ये सब वो का सा, फोटो खींच लो, हाँ फोटो है तो फोटो ले लो आराम से, काम घर पर लेना आराम से, हो जाएगा इसको, चलो हटा दूं, चलिए। ले लो फोटो, ठीक है, चलिए। इसलिए कहा था पहले से कि एबीसी लिख लो, तो लिख रहे थे फाइन। अब देखो होता क्या है कि जब आप एबीसीडी पढ़ते हो और साउंड ऐसे निकालते हो, तो होता क्या है कि आपको लिखना क्या है, अमर, ध्यान देना बहुत बच्चे, क्या लिखना है, अमर। अब लिखना है तो डर नहीं लगेगा, वो नाम लिखना है। अब आप सर ने कहा कि अमर कहें जी ए शुरू होगा, तो दिमाग में डर नहीं रहा, तो ए आ मतलब ए, तो कोई भी साउंड अगर आपको क्लियर है तो राइटिंग स्किल्स में कभी दिक्कत नहीं होगा, है ना। जैसे मान लिखना है क्षमा, कहेंगे जी क्षमा, अब क्षमा लिखना है, अगर छ का अंग्रेजी पता है तो आप राइटिंग आसानी से कर सकते हो, क्लियर हो गया। अब आप बताओ, खड़े हो जाओ, नाम क्या आपका, योगेंद्र, छ का अंग्रेजी क्या होगा, के एस
बैठ जाइए। कितने बच्चे केएसएच में हाथ उठाइए, इससे अलग क्या होगा, आपको बोल सकता है क्या, मतलब छह का इससे अलग कोई जानता है? हाँ बोलो, अवसर मारा है। इससे अलग कोई जानता है कोई? कोई लोग ऐसे सोच रहा है सी डबल एच, हाँ तुम लोग सोच रहे थे, ध्यान देना ये है च और छ वाला छ, ठीक है, और ये क्षमा का के एस एच ही होगा, तो के एस एच ए एम ए क्षमा। अब देखो क्षमा कितना आसान था, लेकिन राइटिंग कितना बड़ा हो गया, लंबा चौड़ा हो गया, समझ पाए इस बात को? तो जब तक आप किसी लेटर को नहीं जानते तब तक आपको दिक्कत होगा, तो इसके लिए क्या करना है, ये आ जाइए, इस किताब देखा आपने यहाँ से पढ़ाया अभी, अब बुक नंबर टू में आ जाइए, यहाँ बुक में आ जाइए, जो कल घर पे पढ़ के आना है, पेज नंबर कितना जी, 7, 8, 9 और 10, 7, 8, 9 और 10 इसमें लिखा होगा, हर जी देखो लिखा है आ आ ई से लेके का की तक, इसको एक बार घर से देख करके सबको आना है, ठीक है बालक, क्योंकि देखो बेटा मुझे 4 दिन में सिखाना है, तो ऐसा नहीं हुआ कि हर दिन तुमको पढ़ाऊंगा का की कुकू, समझ गया आपको, तो 4 दिन में ऐसा क्या हाँ कि तुमको अंग्रेजी आ जाए, तो मैं सबको लेके चलूंगा, जरूरी बात है, लेकिन आपको भी घर पे तैयार होना पड़ेगा और घर पे काम करना पड़ेगा, तो किताब चार होना ही चाहिए, तो यहाँ पे पेज में लिख लो, पेज में कितना पढ़ना है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक बस, जिसमें लिखा हुआ है का की छी है ना, तो जैसे मान लो छ का तुमको नहीं आता है ना, या का नहीं होता है, र का नहीं आ रहा, तो हो जाएगा फिर इसमें बेसिक पढ़ कर क्या होगा ना, बोलो जल्दी, सबसे पहला काम जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है सबको, तो बेसिक पढ़ क्या होगा ना, अगला कॉन्सेप्ट नंबर टू, कॉन्सेप्ट नंबर टू, अब कॉन्सेप्ट टू ये कहता है बच्चे कि देखिए गौर से, एक लेटर है, जैसे आप बचपन से पढ़ोगे ऐसे करो ऐसे करो, अब मुझे नहीं पता हिंदी में क्या किसको हर्षी की सुधीर, वो तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मान ले तो कोई भी हो, इसके लिए आपने बचपन में आई पढ़ा होगा और इसके लिए शायद डबल ई पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं पढ़ा, अच्छी बात, ऐसा बचपन से आपने पढ़ा होगा, बोलो सबने ही पढ़ाया ना जो लिखा हूं, अच्छी बात। इसके आधार पे एक बच्चा राइटिंग कर रहा है, उसने एक नाम लिखा शिवानी, क्या लिखा नाम, और उसने लिखा श का एश एच, व का वी, अन्ना का एन, ए लिखा है जी, अब श व न हो गया ना, अब उसने कहा शी, तो एस एच आई कहा, देखो व का ए और नी को डबल ई कर दिया, और ऐसा लिखना हो गया गलत, क्या हो गया, क्योंकि आपने पढ़ा कहां से, किताब से, तो आज के बाद बुकिश नॉलेज काम नहीं आएगा, हमने क्या कहा इंग्लिश बनता किससे है, साउंड से, कहां से बनता बाबू, अब बोलो साउंड, इसका एक क्या साउंड है, ध्यान देना ये जो साउंड होता है इसको मुझे मतलब नहीं है, इसे मतलब नहीं है, इसको बोलते हैं शॉर्ट, शॉर्ट साउंड, और इसको बोलते हैं लॉन्ग साउंड, शॉर्ट साउंड, और आई का प्रयोग तब करते, आई नहीं बोलना, आई आई का प्रयोग तब करते जब साउंड क्या होता है शॉर्ट, डबल ई का प्रयोग तब करते जब साउंड होता है लॉन्ग, क्लियर। अब देखो शिवानी, शिवानी में शिवानी या शिवानी, शिवानी शॉर्ट है कि लॉन्ग है, शॉर्ट है, तो मुझे ये नहीं मतलब कि ऐसा कि ऐसा, मुझे मतलब है शॉर्ट है, तो मुझे डबल ई नहीं लगाना पड़ेगा, फिर मुझे करना पड़ेगा आए शिवानी, बस मैं तो करना क्या है, साउंड हमेशा शॉर्ट और लॉन्ग दो ही होता है, और एक होता है स्ट्रेस साउंड, बताऊंगा क्लास में आपको वो क्या होता है, तो शॉर्ट साउंड लॉन्ग साउंड। अब देखो तो शॉर्ट के लिए क्या लगाओगे और लॉन्ग के लिए क्या लगाओगे, डबल ई, लिख लिया इसको, शॉर्ट साउंड आई, लॉन्ग साउंड डबल ई, तो साउंड के आधार पर इंग्लिश का निर्माण होता है, कल भी यही बात कहा था, याद आ रहा है ना, कल भी कहा था कि इंग्लिश पढ़ते कैसे हैं, साउंड के बेस पर, साउंड अगर शॉर्ट है तो आई का प्रयोग, साउंड अगर लॉन्ग है तो डबल ई का प्रयोग, ये बात 2 बजे भी हुआ होगा, समझ में आ गया चीज, आगे बढ़े सेम कॉन्सेप्ट।
अब देखो हमको लिखना है दीपा, क्या लिखना है जी दीपा, क्या लिखना है सीमा। अब देखो दीपा हो सीमा हो, या बोलते हो सीमा सीमा सीमा, तो जब बोलते हो सीमा शॉर्ट हो गया, सीमा लंबा हो गया, तो ये सीमा में हमेशा लॉन्ग ही जाता है, इसलिए आपको डबल ई एम ही बोलना पड़ेगा। अगर आप बोलते हो सीमा, तो ये साउंड डिपेंड करता है, कोई व्यक्ति जल्दी बोलना चाहेगा तो ये बोलेगा, लेकिन रियल में सीमा का साउंड ए होना चाहिए, राइट। दीपा तो डी डबल ई पी ए होना चाहिए, क्योंकि डी में ऑटोमेटिक लॉन्ग साउंड खींचता है, लॉन्ग मतलब ये नहीं कि दीपा ऐसे नहीं, लॉन्ग मतलब इतना भी लंबा नहीं, ठीक है ना, मतलब ऑटोमेटिक साउंड में थोड़ा वेरिएशन होगा, दीपा साउंड खींच रहा है तो आई, थोड़ा लंबा जा रहा है तो डबल ई, गेट इट, हो गया तक दीपा सीमा। आगे बढ़ते हैं अगला कॉन्सेप्ट, अगर साउंड ध्यान देना साउंड शॉर्ट तो यू, साउंड लॉन्ग तो डबल ओ, ध्यान देना ऊ का साउंड, साउंड शॉर्ट है तो क्या लगाना यू, लॉन्ग है तो क्या लगाना डबल ओ, ये ध्यान देना। जैसे हमने एक वर्ड लिखा मून, मून क्या लिखा बाबू मून, तो मून में ऑटोमेटिक क्या है थोड़ा सा लॉन्ग है तो क्या लगा डबल ओ, लेकिन कुछ साउंड ऐसा ऐसा रूपा, अब रूपा वर्ड बोला तो इसका दो स्पेलिंग हो सकता है आर यू पी ए या फिर आर डबल ओ पी ए, अब डिपेंड ये करता है कि आपने बोला कैसे है, शॉर्ट बोला रूपा ये भी होगा रूपा, रंग तेरा रूपा तो क्या हो जाएगा आर डबल ओ पी ए रूपा, राइट, रूपा 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 रूपा, तो थोड़ा सा लॉन्ग होगा तो आर डबल ओ, शॉर्ट होगा तो आर यू पी ए, बोलो क्या आपत्ति, बस फटाफट पढ़ते जाओ, सबको आता है सब, लेकिन पढ़ा इसलिए रहा हूं तुम लोग को राइटिंग में दिक्कत ना हो, ठीक बच्चा, यूट्यूब वाले बच्चे पढ़ रहे हो सब लोग, समझ पा रहे हो, देर मत करो तुम, क्रांतिकारी ऐप डाउनलोड करो, एडमिशन सीधा वापिस। आगे देखो क्या कहते हैं, अब मान लो साउंड है, ध्यान देना साउंड साउंड, चूंकि हिंदी आपको आता है तो ऐसे कहीं लिखते हो, राइट, जैसे जैन कैलाश नैनीताल है ना, अब लिखना नैनीताल, देखो और से नैनीताल, अब देखो ऐसा है कि नहीं, तो इसके लिए के हम लोग ए आई का प्रयोग करते हैं, ए आई का प्रयोग, पता हो सबको, जैसे नैनीताल में क्या हो जाएगा एन ए आई, क्या हो गया नै, बाकी तो आपको आता ही होगा नैनीताल है ना सान, तो नए ए आई, ये बेसिक, जब क्या होगा कि मैं बोलूंगा आई एम गोइंग टू नैनीताल, अब तुमको गोइंग लिख रहे हो, नैनीताल लिखने नहीं आ रहा, तो किसी भी लेटर का राइटिंग तभी होगा जब उसका साउंड क्लियर हो, जैसे लिखना है कि जैन बड़े एक्टिव होते हैं जैन लोग, अब लिखना है जैन, जैन क्या हो जाएगा जे ए आई एन, बोलो आता है सबको, कैलाश मिश्रा नाम सुना होगा कैलाश, अब कैलाश का के का आता है, एल का एल आता है, श का एस एच आता है, एल में यहां ए लगा दिया, यहां का लगा दिया, बोलो बच्चे किसी को आपत्ति, बोलो सबके लेवल पे है कि नहीं है, अभी क्लास शुरू नहीं हुआ है, अभी एक दो दिन क्या लेगा बेसिक क्लास, वापिस आ जाइए, बिल्कुल बच्चों वाली क्लास, यहां तक हो गया, कभी भी क्या होता है यहीं पे ऐसे होता है इसको ऐसे करते हो, इसको क्या बोलते हैं जी ओ, जैसे कौ है ना, देखो कौ सल जसमीत कौर, गौरी दिख रहा है सबको, गौरी, अब समझिए बढ़िया से, एक एक बच्चे लिखने के लिए सीखिए, समझ पा रहे, आज हिंदुस्तान का हर बच्चा सीखेगा, जिसको अंग्रेजी आता है वो भी, जिसको नहीं आता वो भी, हर बच्चा सीखेगा, ठीक है अजय कुमार, सोनू, मार्कंडे, छोटू, ठीक है पप्पा जाओ, कौशल, कौर, गौरी, अब इसका जो अंग्रेजी होता है बाबू ये होता है ए और यू,
ए आर यू। तो जहां भी ऐसा लिखा मिल जाए आपको ए यू लगाने लगाना है। जैसे सर कौशल का देखो, के आपको आता है के से क, एस एच आता है श, एल आता है ल, इतना ज्ञान आपके पास है। तो क में लगा है आओ, तो क्या कर देंगे ए यू, यहां बीच में ए आ जाएगा कौशल। तोड़ दो, इंग्लिश नहीं आती तोड़ दो उसको, अपने आप आ जाए। देखो ना गो कौर, मुझे के से क्या पढ़ा बचपन से, आर से क्या पढ़ा बचपन से, बीच में औकार है तो ए और यू हो गया। गौरी, तुमको जी आता है, आर आता है, बीच में ए यू है और री के लिए आई लगा दिया, हो गया गौरी। हुआ कि नहीं हुआ? तो बोलो जिसका बेसिक कमजोर है उसके लिए अमृत है ये। क्या है जी? पीते रहो, छोड़ना नहीं है। कहते हैं ना कि एक कदम चलो रख तू राह पर दो चार ही कदम, रख तू राह पर मगर जरा तबीयत से, मगर जरा मतलब बढ़िया से, रख तू राह पर दो चार ही कदम मगर जरा तबीयत से, मंजिल खुद ब खुद चलकर तेरे पास आएगी। मंजिल खुद ब खुद चलकर तेरे पास आएगी। अरे हालात का रोना रोने वाले, मत भूल कि तेरी तदबीर ही तेरी तकदीर बदल पाएगी। मतलब तोड़ना फोड़ना नहीं है। तो अब जब आप मेहनत करोगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे आराम आराम से, तो फिर आपकी मुश्किलें हटती चली जाएंगी और आप सीखते चले जाओ। कल भी हमने कहा था कि किसी को कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे मिलो, मुझे बताओ दिक्कत क्या है। कल बच्चों ने कहा कि तो बेसिक से पढ़ना, हमने कहा आपको एक क्लास नहीं बल्कि तीन चार क्लास दूंगा बिल्कुल बेसिक वाला। आज हमने और बेसिक दिया, कल इसी थोड़ा सा एडवांस देंगे, परसों थोड़ा एडवांस देंगे और फिर आप कहोगे सर बेसिक आ गए आप थोड़ा बहुत, फिर हम शुरू कर देंगे मेन चैप्टर मेन क्लास जिसके लिए आप पढ़ने आए हो। ठीक है, क्योंकि हमने कल भी कहा था कि दुनिया में सबसे पहले जो भी इस विश्व में है सबका सब क्या है, नाउन है, और नाउन से हम क्लास स्टार्ट करेंगे, वहां से स्टार्ट करें हम लोग। तो यहाँ पे हमने गौर कहा कोता ही कुछ लिखना थोड़ा बहुत आ जाए। ठीक है, वापिस आए, वापिस आइए। यहाँ तक हम लोग आगे देखते हैं साउंड को। यहाँ तक क्या हुआ, जैसे क्या होता है हम लगाते हैं ऐसे बिंदी लगाते हैं ना, तो बिंदी का दो अंग्रेजी, बिंदी जो होता है बिंदी, या तो ऐसे लगाओ या तो ऐसे लगाओ। ठीक है, दो बिंदी का दो अंग्रेजी होता है, या तो होता है ए एम या तो होता है ए एन। अब डिपेंड करता है कि इसको तुम पढ़ते क्या हो, इस बिंदी को पढ़ते क्या हो। जैसे सर तो एक लिखा हमने, अब बोलो क्या पढ़ोगे इसको, क्या पढ़ोगे जी, और इसको क्या पढ़ोगे। दोनों पे सेम बिंदी है लेकिन एक पे तू ना पढ़ेगा एक पे तू मत पढ़ेगा, है ना जी। तो इसका नहीं होगा एम और एन। तो चंबा में स्पेलिंग हुआ सी एस एच आ और यहां करना पड़ेगा ए एम, ठीक है बाबू, और बी ए, यहां करना पड़ेगा सी एच ए एन डी ए। तो यहां एन हो गया और यहां एम हो गया। तो जैसा साउंड वैसा लेटर, बिंदी एक समान है लेकिन हम लोग अगले लेटर के हिसाब से उसका साउंड निकालते हैं। कि चंबा की चंदा, चंदर की बंदर, चंबू जी। तो क्या लिखना है उस पर डिपेंड करता है कि आपका साउंड कैसा होगा। आगे बढ़े हैं, यहां तो क्या पति बहुत सुंदर तैयारी, बहुत बढ़िया तैयारी। ये 6 बजे का बैच अपने आप में एक अनूठा बैच होता है, सारे बच्चे होते हैं सीरियस इस बैच के। देखो लिखना है शंभु, क्या लिखना है बाबू। अब श का क्या हुआ, बोलो ए एम की एन बी एच शंभु हो गया ना। तो इस तरह से आपको साउंड सीखना है, सीख लोगे। अगला पॉइंट, ये पहला पॉइंट सिखा, सबको सीखे सब लोग। पॉइंट नंबर टू, ये सब सीखने से क्या फायदा सर, आपका स्पेलिंग इंप्रूव होगा, लिखने में गलतियां कम होंगी, आप सीख पाओगे। जितना मैं पढ़ा रहा हूं बेचारा, मेरी एक बुरी आदत है, जो पढ़ाता हूं वो पूछता हूं, जो पढ़ाता हूं वो, इसीलिए वोकैबुलरी स्टार्ट नहीं किया हूं। क्योंकि वोकैब जिसने स्टार्ट हो गया समझो खतरा आ गया, वोकैब स्टार्ट मतलब खतरा स्टार्ट, फिर आप बच नहीं सकते। जैसे आज मैं पढ़ाया तो कल पूछूंगा, तुम्हें नहीं कह सकते डेमो ले रहा हूं सर, ना
सीधा क्लास स्टार्ट, मैं क्लास स्टार्ट करता उसी दिन हूं जितने सारे बच्चे कंप्लीट आ जाते हैं, फिर एंट्री बंद, एडमिशन क्लोज्ड। बस समझ गए, क्योंकि मैं समझता हूं क्लास पैक्ड, अब मुझे पढ़ाई पढ़ाना चाहिए, क्लास लेना चाहिए, तो सीरियस क्लास तब आपका स्टार्ट होगा जिस दिन आपके सारे बुक आ जाएंगे। खैर नहीं भी, अब देखते हैं गौर से अगला कॉन्सेप्ट क्या कह सकता है। देखो बेटा, एक वर्ड है, एक लेटर है क्यू, क्या बाबू? अब क्यू एक ऐसा लेटर है जिससे कोई शब्द का निर्माण हो, जिससे कोई वर्ड का निर्माण हो, जिससे कोई वर्ड बनता हो, उसके साथ यू हमेशा आएगा 99.9999%। मान लो एक आध वर्ड हो जिसमें ना हो, अलग बात है, तो क्यू के साथ यू हमेशा आएगा ही, चाहे दुनिया का कोई शब्द बन जाए, यू आएगा ही, चाहे क्विट हो, चाहे क्वेश्चन हो, चाहे कुछ भी हो, क्यू के साथ यू आएगा ही आएगा। जैसे क्वीन हो, क्वेरल हो, क्वेंच हो, क्विक हो, यू आएगा ही। ये सारा चीज बुक वन से हो रहा है, ये बुक आपके पास आएगा, घर पर रिवीजन करके आइएगा, कल पूछूंगा, ठीक है? पॉइंट नंबर टू, खड़ा हो जाओ, बताओ तुम, मैं क्या बताऊं? यही नहीं है जी, अगर हिंदी लिखने आ जाएगा तो लिखने आ जाएगा, तो बोलो A K A N K S H A, आकांक्षा। और कुछ बोलना चाहता है कोई? नहीं, आकांक्षा के बच्चे ने बताया है, इसके स्पेलिंग कोई कार्ड, और कुछ बोलना चाहता है बोलो, डबल A। और बोलना चाहता है कोई? देखिए सबसे पहला चीज, ठीक है, अब यहाँ पे आकांक्षा, देखो इस छ में जो होता है क्या होता है, हमेशा का मिला होता है, इसीलिए हमेशा के एस एच बोलते हैं हम लोग, बस बात को अंतर बसी थी, इसलिए कभी भी सी एच ए सी डबल एच मत कर देना, ठीक है ना, ध्यान रखना आपको, ठीक है? अब इसमें दिक्कत क्या है बेटा? सही तो बोला तुमने, चलो सी डबल एच नहीं आएगा, है ना, जब भी सी एच होगा तो छ होता है, छ और वो श है, छ मतलब क मिला हो उसमें, नहीं सिंगल बाबी, सही है। अब अगला पॉइंट क्या कहता, सुनने को से, दुनिया का कोई शब्द हो, क्या हो? दुनिया का, साथ साथ अभी देखो यानी कर रहा है, निंद कहां उनकी आंख में जो मौत के परवाने हो, आप तुरंत जो है यानिंग कर रहे हो, सोना एक्टिव मोड में, एक्टिव मोड में क्या रहो, एक्टिव मोड कैसे होगा, ध्यान दो, दुनिया के किसी शब्द में, ध्यान देना, किसी शब्द में अगर फुल शब्द जोड़ना हो, क्या जोड़ना हो जी, तो एक शब्द लेटर हटा देते हैं, दुनिया के किसी शब्द में अगर फुल जोड़ना हो तो एक एल, जैसे ब्यूटीफुल, फेथफुल, हेल्पफुल, देखो ब्यूटीफुल, ब्यूटी प्लस फुल है ना, फेथफुल, फेथ प्लस फुल, एक एल काटेंगे क्या बन जाएगा, फेथफुल, समझ पा रहे इस बात को? तो दुनिया कोई भी लेटर हो उसको लिखेंगे तो एक एल समाप्त हो जाएगा, स्पेलिंग का बहुत बड़ा दे रहा हूं मिस्ट्री जो सुन रहे हो आप, तो फेथफुल का स्पेलिंग सिंगल एल होता है डबल एल, ब्यूटीफुल में डबल एल, हेल्पफुल डबल एल, ऐसे भी। कॉन्सेप्ट नंबर टू, दुनिया का कोई भी वर्ड अगर जोड़े में आता हो, जोड़ते हैं उसको, तो डबल एल कभी नहीं होता, जैसे सर वेलकम, वेल प्लस स्पेलिंग बनेगा वेलकम, एक एल कट जाएगा, ऑल रेडी, ऑल प्लस रेडी, क्या बनेगा, ऑल रेडी, समझ में आया बात? यानी कोई भी डबल एल अगर जोड़े में आता है, जो जोड़ते हैं उसको, तो एक एल समाप्त कर दिया, और 90% बच्चा मिस्टेक करता है इसमें, क्या करता है वो, डबल एल कर देता है, डबल एल कर देता है, सोचता है वेल हो गया, कम जोड़ दिया वेलकम हो गया। बस हमारे सबको याद हुआ कॉन्सेप्ट, इस किताब को जरूर पढ़ना घर पर जाकर के, ठीक है, बेसिक किताब। अगला पॉइंट, इस किताब को एक बार जरूर पढ़ना है बच्चे सबको, ठीक है, पढ़ोगे ना, बहुत बढ़िया। पॉइंट नंबर टू,
जो अक्सर बच्चा मिस्टेक करता है। अगला पॉइंट मैं पूछूंगा तब पढ़ाऊंगा। बच्चे टोपी खड़े हो जाइए, हाँ खड़े हो जाओ, टोपी खोलना नहीं है, खड़ा हो जाना है। चलो बोलो, डिसीव का स्पेलिंग बोलो, डिसीव का स्पेलिंग, शांत बैठो हाँ बोलो, डिसीव का स्पेलिंग बोलो, डिसीव का स्पेलिंग, डिसीव नहीं बता पाओगे, पड़ोसी खड़ा करो बोलो डिसीव का स्पेलिंग देख करके। अच्छा बोलो, ऐसे लिखूंगा डी सी आई वी ई। कितने बच्चे राइट में हाथ उठाइए, बच्चा बोला है राइट में हो, पड़ोसी सही है। टोपी बहुत बढ़िया। तुम क्यों नहीं आता है 12 बजे, 10 बजे क्यों नहीं आता है तुम? तुम बोला तो कल सर फायदा क्या, तो टाइम खत्म हो गया। चलो वापिस आ जाओ। देखो बेटा क्या होता है, अब सुनो गौर से, जिसमें भी सी हो, क्या हो जी, सी, क्या हो, सी सी सी, वहां जहां भी सी हो, सी साउंड हो चाहे सी लेटर हो, वहां हमेशा ई आई का प्रयोग करना, क्या करना, याद करो, जहां भी सी हो सी 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 वहां क्या लगाना, और जहां भी सी ना हो वहां आई आई ई। बच्चे 90% सीजीएल में एक बार क्वेश्चन रहता है यहां से, और बच्चा मिस्टेक करता ही करता है, जहां भी सी हो क्या लगाना और जहां सी ना हो क्या लगाना, जैसे सर देखो डिसीव रिसीव परसीव अचीव, ठीक है ना, तो डिसीव बोला डी ई सी ई आई वी ई, और देखो बोला अचीव अचीव ए सी एच, तो यहां पे सी नहीं है चा है अचीव, तो आई ई वी, देखो आई ई आई आया कि नहीं आया, तो एक नहीं हजारों शब्द इसमें है, रिसीव रिलीव सीलिंग बिलिंग जितने वर्ड होते हैं, इस वर्ड का प्रयोग पढ़ना और एक बार इसे याद करने का प्रयास करना, ये नहीं कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं इसे काम चलेगा, नहीं हजारों की आप दिए हुए हैं, इसको पढ़ना आपको। हाँ फिर सुनिए, जिसमें भी सी होगा, सीब जैसे रिसीव रिसीव सीलिंग फैन बोलते हो, सीलिंग फैन, तो सीलिंग फैन रिसीव 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 परसीव, तो जहां भी सी आ गया वहां क्या लगाना, गलती इसी में होना, कहीं गलती नहीं होना, अच्छी बात, जहां सी ना हो अचीव रिलीव बर्ड हो तो क्या लगाना, आई ई, सी तो ई आई, सी नहीं तो आई, बस। बाकी एग्जाम्पल हजारों किताब में दिए गए हैं, यहां से पढ़िए इसको, एग्जाम्पल हजारों हैं बुक्स मेरे पास, 12 किताब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, 1 रुपया ही लगाना है, ठीक है ना, ऑफिस में जाना सर फ्री मिलेगा आपको। अगला पॉइंट यहां समझ आ गया, तो जहां सी होगा क्या लगाना है, सी होगा क्या लगाना है, ई आई, सी नहीं तो आई, याद हो गया yes. आगे बढ़ो, अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता बेटा, अगला कॉन्सेप्ट कह रहा है बेटा, देखो गौर से ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे यहां लिखा सी ओ एम ई लिखा ना, और इसमें लगाना हमको आई एन जी है, गौर सुनिए गौर से, ये सारा चीज आपको स्पेलिंग सिखा रहा हूं आज, क्योंकि राइटिंग पहले सीखोगे ना तो बोलना लिखना पढ़ना हंसना सब सिखा दूंगा, लेकिन पर लिखना तो तुम्हें आए, 90% बच्चा स्पेलिंग मिस्टेक करता है, इसलिए मेरे क्लास को झेल नहीं पाता, क्योंकि 95% मैं क्लास में अंग्रेजी में लिखवाता हूं, और सोचता है कि इंग्लिश में लिखवाइए हिंदी में लिखवाइए, जब बात की जाती है तब उससे मिला जाता है, तो काम हो जाएगा साहब, तो कम प्लस ING, तो ध्यान देना जब भी किसी शब्द के अंत में ई हो और ING लगाते हैं तो अंतिम वाले ई को काट देते हैं, ई को, जैसे मेक प्लस ING, तो बोलो यहां हो जाएगा सी ओ एम ई आई एन जी, वो राइट रॉन्ग, रॉन्ग सही क्या होगा, सी ओ एम आई एन जी एम ए के आई एन जी हो जाएगा जी, तो कमिंग का स्पेलिंग सी ओ एम आई एन जी नहीं होगा, सी ओ एम आई एन जी, यानी ई को क्या किया हमने, हटा दिया, फाइन। बच्चे उस इलाके से, किसी को आपत्ति, आसान है हो जाएगा, फिर आसान है तो करवा दूंगा, आगे बढ़े इसमें, अगला कॉन्सेप्ट लो ना,
मेक प्लस आईएनजी मेकिंग। जो बच्चे यूट्यूब पे क्लास ले रहे हैं, मैं उनको सलाह देना चाहता हूं कि जहां कहीं भी आप हैं आ जाइए, और सारे बच्चे एक बार और कमेंट करिए जरूर फटाफट। चलिए आगे बढ़ते, हो गया अगला पॉइंट, देखो से फटाफट नेक्स्ट कहता है बच्चे कि वर्ड है देखो से डी आई ई प्लस आई एन जी, तो इसको पढ़ते हैं डाई प्लस आई जी डाइंग। तो इस आई को जब चेंज करते हैं तो वाई में चेंज होता है, तो इसमें हो जाएगा डी वाई आई एन जी, मतलब आई को चेंज कहां करते हैं वाई में। ये कुछ नए नए शब्द हैं जो आपको जानना पड़ेगा, डाई प्लस आई एन जी तो डी वाई आई एन जी, जैसे लाई एल आई ई प्लस आई एन जी क्या बन जाएगा एल वाई आई एन जी, ठीक है। तो ये सब स्पेलिंग बच्चा को लिखने का जब दिया जाता है, जब कोई सेंटेंस बनाता है ऐसे लिखता है राइटिंग करता है तो बच्चा नहीं सीख पाता और सोचता है कर लूंगा और गा कभी आता, फ्यूचर हैज नो एंड, सो यू मस्ट बाइंड अपॉन द फ्यूचर इफ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ। आज आपने किताब खरीदा और कहा मैं इसे पढ़ूंगा, अब बोलो गा का अंतिम सीमा है कहीं, तो जब निकालता होगा जब कहता पढ़ूंगा पढ़ूंगा किताब है ले लूंगा पढ़ लूंगा, तो ना लिया ना पढ़ा, ना लिया ना बीत गया महीनों, डीएसएल में एडमिशन ले लूंगा पढ़ लूंगा, तो लिया ना पढ़ा, टाइम भी बीता समय भी गया और आपका जहां थे वहीं रह गए, और डे बाय डे और करप्ट होते जा रहे हो, मेंटली फिजिकली सड़ रहे हो दिल्ली में, नहीं जी भाई 25 गज के मकान में उतने में टहलने को नहीं मिलता, खाने को नहीं मिलता है, चेहरा साफ हो रहा गोरा हो रहा, नहीं खून की कमी हो रही है, अंदर से चुसा रहे हो तुम, तुमको लगता है कि दिल्ली जाते तो गोरा हो जाते हैं और गांव में काले हो जाते हैं, अरे जो रंग ओरिजिनल वही वाला है, यहां खून सूख रहा है ना, तो लगता है गोरा हो रहे हैं, समझ पा रहे बात को, चुसा जाता आदमी यहां बहुत, हो गया यहां पे वापिस आ जाओ। अगला क्या कहता है भाई, देखो अगला कॉन्सेप्ट सीखो क्या कितना इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत जरूरी बात, एक बच्चा कोई खड़ा हो जाए और बताए बिगनिंग का स्पेलिंग, बिगनिंग का हाँ कॉन्फिडेंस के साथ, तुम नहीं हाँ तुम खड़ा हो बोलो, लिख रहा हूं सुनो गौर से, बी ई आई एन जी, ये तो बींग हो गया, बिगनिंग शुरुआत, बिगनिंग नहीं, तो बिगनिंग हो रहा, शुरुआत हो रहा क्लास का, सर क्लास को शुरुआत मतलब बिगनिंग कर रहा हूं, बोलो किसको कॉन्फिडेंस, खड़ा हो जाओ, हाँ जी ये आराम से बी ई जी आई डबल एन आई एन जी डबल एन ना, ठीक है, कितने बच्चे इसमें सही हैं बताइए, हाथ उठाइए, इससे अलग कौन बोलेगा बोलो, बी ई आई एन जी डबल ए नहीं होगा, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं यूट्यूब पे बोलो बिगनिंग का स्पेलिंग, यस बिगनिंग का स्पेलिंग, यूट्यूब से जवाब चाहता हूं मैं जवाब चाहता हूं यूट्यूब से मुझे चाहिए, राहुल जी कहते हैं जवाब का सवाल चाहिए, तो जा जवाब का सवाल दीजिए, बिगनिंग बी ई जी आई डबल एन आई एन जी, कुछ बच्चों ने कहा, कुछ बच्चों ने ऐसा कहा है बी ई जी आई एन आई एन जी, इसमें कितने लोग हैं जी, बी ई जी आई एन आई एन जी
ओके, बहुत अच्छी बात है। अब चलिए मैं इसको बताता हूं कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ गौर सुनिए। तो क्या कहना चाहता हूं मैं, देख गौर से, अब आप खुद बना लेना। दुनिया का क्या बोला, दुनिया का कोई भी शब्द हो, दुनिया का कोई शब्द हो जिसका अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट हो, जैसे सर दुनिया का कोई भी शब्द जिसके अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट हो, बोलो है कि नहीं, उसके पहले एक भोवेल हो, कितना कहा एक भोवेल। दुनिया का कोई भी लेटर, कोई भी शब्द जिसके अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट हो, बोलो कॉन्सोनेंट भोवेल, पता है सबको ना। दुनिया का कोई भी शब्द जिसके अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो, बोलो सब में है कॉन्सोनेंट, उसके पहले एक भोवेल हो, कितना भोवेल का एक भोवेल, उसमें अगर आईएनजी लगाना है या कुछ भी जोड़ना है तो अंतिम लेटर को दो बार लिखते हैं, अंतिम को दो बार लिखना पड़ता है, नहीं तो गलत होता है। आज ही जाना अपने 10 मित्रों से जो अंग्रेजी का विद्वान लगता होगा, उसे पूछना कि बोलो बिगनिंग का स्पेलिंग क्या होगा, यकीन मानो 10 में से 9 लड़का गलत बोलेगा और 10वां जो सही बोलेगा वो डीएसएल का होगा, क्योंकि 10 में एक तो डीएसएल होगा ही, क्योंकि हर बैच में 5000 बच्चा पढ़ता है और 100-200 यहां पढ़ता होगा, तो 5000 प्लस 200 तो कहीं ना कहीं तुमको डीएसएल बच्चा टकरा जाएगा, डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, लाइव चाहे ऑनलाइन चाहे कैसे भी हो, क्योंकि 4 बैच यहां पे चल रहा है ऑलरेडी, एक बैच तुम लोगों का, 3 बैच ऐप पे चल रहा है, समझ पा रहे इस बात को। तो ये होगा बिगिन, तो बिगिन में क्या होगा, बी ई जी आई एन तो है ही, एक एन और, जैसे बच्ची बिल्कुल सही बोली थी है ना, और आई एन जी, फॉरगेट में एफ ओ आर जी ई डबल टी आई एन जी, कट में सी यू डबल टी आई एन जी, सीट में एस आई डबल टी आई एन जी, बस में बच्चों बच्चे। तो ये कॉन्सेप्ट सीखना है, राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए पहला क्लू कहता है कि आपको लिखना आए जाए। लिखना कैसे आएगा सर, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, इसलिए स्पेलिंग इंप्रूव करवा रहा हूं जिससे आपको लिखना आ जाए। बोलो किसी बच्चों को आपत्ति, समझ पा रहे हो, भले टफ लग रहा है झेलो उसको, सीखो पहले जरूरी है। तो आज के बाद आपसे बिगनिंग का स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, फॉरगेटिंग का स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, कटिंग का नहीं गलत नहीं होना चाहिए, रन का रनिंग, जैसे देखो रन का रनिंग आर यू एन रन है ना जी, तो क्या करेंगे इसमें आर यू डबल एन आई एन, ये बात सबको समझ में आया बच्चे या नहीं आया जल्दी बताइए, आ गया समझ में, बहुत अच्छी बात। अब देखो हमने एक क्लास लिया, अभी किसका लिया, स्पेलिंग का, एक किताब इसको फॉलो किया और थोड़ा सा हमने इसको फॉलो किया, अभी दो किताब टच नहीं किया है, एक ए वाला और एक स्टोरी वाला, ये दो किताब टच कल होगा, कब होगा कल, क्यों, क्योंकि दो किताब आप, मुझे पता है कि आप सबके पास बुक नहीं आया सारा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल चलूंगा दोनों, तब 3 दिन क्लास चलेगा आपका और 2 दिन, 2 या 3 दिन और चलेगा क्लास इसमें, जिसमें बेसिक आपको लूंगा, उसके बाद मेन चैप्टर पे आऊंगा जो आपके ग्रामर के थ्रू होगा, वहां से पढ़ाई शुरू होगा। जब तक मैं समझ जाऊंगा कि आपका लेवल ठीक हो गया 2 दिन में, फिर मैं क्लास में आ जाऊंगा जिसका काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक किताब कहाँ मिलेगा सर, यह किताब नीचे राय बुक सेंटर है, वहां नीचे चल जाना, वहां किताब मिल जाएगा, या फिर अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। जो बच्चे क्लास पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे, तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे जाएंगे, वहां किताब सब मिल जाएगा, स्पोकन का भी ग्रामर का किताब मिल जाएगा, या फिर इस नंबर पे कॉल करिए डीएसएल में मिल जाएगा, ठीक है। 2-3 चीज ध्यान देना है, जितने बच्चे क्लास ले रहे हैं कहाँ ले रहे हैं जी, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पे, ये ऐप हिंदुस्तान का नंबर 1 ऐप है इंग्लिश सिखाने के लिए, इससे बढ़िया आज तक ऐप हमने देखा ही नहीं। इंग्लिश का एक मात्र ऐप है जिसमें सीख सकता है बच्चा इंग्लिश, जिसका नाम है क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। दूसरा बच्चे ध्यान देना, इस बैच का नाम है चैंपियंस, इफ यू वांट टू बिकम अ चैंपियन देन यू शुड टेक एडमिशन 13 जुलाई, वहां लेना एडमिशन। कैसे लें एडमिशन 17 में, इतना कम फीस, सब काट कूट के इतना, पीडीएफ नोट सारे मिलेंगे,
एक किताब आपके पास होने चाहिए पढ़ने के लिए, आपके टेबल पर होने चाहिए। एक किताब अमेजॉन फ्लिपकार्ट मिल जाएगा, और जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं ऑफलाइन उनको किताब ऑफिस से या आप भी चाहें तो अमेजॉन से मंगवा सकते हैं, फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं। एक किताब किसके लिए, जो बच्चा एसएससी की तैयारी करता है, एसएससी की तैयारी करता है उसके लिए यह किताब वरदान साबित है। सीजीएल के लिए, यूपीएससी तो बच्चा नहीं ले सकता, चलेगा काम। सीपीओ के लिए ले लो, डेट आ गया एग्जाम का, तो एक किताब ले लो। इससे बाहर कोई बुक है आज तक ना आया है ना कभी भविष्य में आएगा, तो किताब वरदान आपके लिए है। ये नंबर मेरा होता है, फोन कॉल किसी पे करो, बातचीत हो जाएगी। जब भी बात करना हो आप बात करो, सुबह से लेकर शाम रात तक तैयार रहता हूँ मैं बात करने के लिए। तो ये नंबर आपके लिए है, इस पर कॉल करिए, बेसिक नंबर है, व्हाट्सएप कॉलिंग करिए, ये सारे नंबर पे आपके बातचीत होते रहेंगे। जितना जल्दी हो सकता है आप सीट बुक कर लो, अदरवाइज पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। पढ़ना अगर है, डिसीजन ले लिया है डीएसएल पढ़ने का, तो फैसला कर लो और पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है। इस तरह से काम लोग करेंगे। और आज भी लाइव क्लास था और अभी बेसिक क्लास में लाइव हम लोग का चलेगा। और ये चूंकि पेड बैच है, यूट्यूब पर ये फ्री क्लास हमेशा नहीं मिलेगा, अभी बेसिक आपको फ्री मिल सकता है, आगे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से 4 बुक्स फिलहाल के लिए चाहिए और इस तरह से क्लास आपका आगे बढ़ेगा, ठीक है बच्चे। तो आई होप कल किताब आप सब लेकर आओगे ना। आज क्लास कैसा लगा, मस्त लगा, बढ़िया लगा? कल आज का 1 करोड़ गुना बढ़िया क्लास दूंगा, क्योंकि आज तो बिल्कुल बेसिक था, कल थोड़ा सा एडवांस, परसों थोड़ा सा एडवांस, और फिर मेन क्लास में हम लोग आ जाएंगे। किसी चीज को शुरुआत करना है तो बिल्कुल जीरो से, ना कि आते ही पढ़ा दूं प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, बिल्कुल शुरुआत से। मैं सबको मान चल रहा हूं कि सबका लेवल क्या है, जीरो। सारे बच्चों लेवल क्या है, जीरो, और स्टार्ट में वहीं से करने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू। आज इतना ही पढ़ाऊंगा, फिर मिलते हैं कल, ठीक है बच्चे, थैंक यू।